बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास वन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो क्लास वन, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा मोर और लेस का। सो देखें, मोर और लेस, पेज नंबर 34 आप पढ़ेंगे आज मोर और फ्यू के ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। सो पहले मैं आपको मोर एंड फ्यू के लिए चीजें समझा दूं, फिर हम देखते हैं। सो देखें, आपके पास है, इसमें देखें इसमें कितने रिंग हैं, 1, इसमें कितने रिंग हैं, 2, इसमें 3 एंड 4। सो आपके पास क्या है, दिस इज फ्यू एंड दिस इज मोर, फ्यू मोर। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? इस तरीके से देखें, अगर मेरे पास, सो क्लास वन आप मुझे बताओ कि इनमें से फ्यू कौन सा है और मोर कौन सा है। यस, दिस इज फ्यू एंड दिस इज मोर। क्यों? क्योंकि इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 रिंग्स एंड इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें आपके पास कितने रिंग्स हैं, 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो आप मुझे बताओ, दिस इज फ्यू एंड दिस इज मोर। देखें आपको क्लियर है? नाउ अब आपके पास देखें ये बॉक्स, इसमें देखो डॉट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज 10। सो आप बताओ, दिस इज मोर, ये क्या है, मोर डॉट्स हैं और इसमें डॉट्स कितने हैं, फ्यू डॉट्स। क्लियर है? मोर एंड फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लास वन, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप एक बताओ मेरे साथ। सो क्लास वन, बताएं कितने हैं इसमें डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज सिक्स। सो बताओ कौन सा मोर है और कौन सा फ्यू है, दिस इज मोर एंड दिस इज फ्यू। यस, दिस इज मोर एंड दिस इज फ्यू। क्लियर है? आई होप क्लास वन, अब आपको मोर एंड फ्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके बुक के क्वेश्चन की तरफ। यस, सो क्लास वन आप देखें, आपको दिख रहा है मोर और फ्यू, पेज 34, मोर और फ्यू। Count the number of objects in each pair of sets. And then write in the answer box. Tick the set with more number of number. Cross the set with a fewer number of member. ठीक है, वो आपसे बोल क्या रहा है, काउंट करें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच पेयर ऑफ सेट एंड देन राइट द आंसर बॉक्स। राइट द आंसर बॉक्स, आंसर बॉक्स में टिक करें किसके ऊपर, जो मोर है, और क्रॉस करें उनके ऊपर जो फ्यूअर है। सो देखें आपके पास, स्टार्ट करते हैं, दिस इज 1 एंड 2, ये क्या है, 2 एंड दिस इज 1, 2, 3। सो ये मोर है तो इन पे टिक लगेगा और दिस इज फ्यू तो इन पे क्रॉस लगेगा। क्लियर है? दिस इज फ्यूअर एंड दिस इज मोर। ठीक है, सो अब इसको काउंट करें, 1, 2, ठीक है, 1,
1, 2, 3, 4, 5. This is 5x. And this is 1, 2, 3, 4. 4 breads. तब बताओ इनमें से मोर कौन सा है और फ्यूअर कौन सा है? यस, दिस इज मोर एंड दिस इज फ्यूअर. आई होप आपको मोर एंड फ्यूअर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है. अब आप देखें क्लास, 1, 2, 3, 4, दिस इज 4, 1, 2, 3, 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 1, 2, 3. सो 3 इज लेस देन 4, 3 छोटा होता है. सो दिस इज फ्यूअर एंड दिस इज मोर. नाउ स्ट्रॉबेरीज को देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 7 स्ट्रॉबेरीज एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑरेंजेस. सो आप मुझे बताओ 7 ज्यादा होता है या 6? यस, 7 ज्यादा होगा. सो दिस इज 7 स्ट्रॉबेरीज. सो स्ट्रॉबेरीज ज्यादा है तो स्ट्रॉबेरी पे लगाएंगे टिक एंड ऑरेंजेस पे क्रॉस, क्योंकि ऑरेंजेस फ्यूअर है. सो क्लास, अब आप देखें आपका सेकेंड लास्ट, दिस इज 1 आइसक्रीम एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दिस इज 8 स्वीट्स, दिस इज 8 कैंडीज. ठीक है, दिस इज 8 कैंडीज एंड दिस इज 1 आइसक्रीम. सो ये आपके पास फ्यूअर है और ये आपके पास मोर है. यस, क्लास इसको देखें, ये है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस इज 10. ठीक है, एंड 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5 एप्पल्स. सो आप मुझे बताओ कि आपके पास इनमें से मोर कौन सा है और फ्यूअर कौन सा है? यस, दिस इज मोर एंड दिस इज फ्यूअर. सो आई होप क्लास आपको अच्छे से मोर एंड फ्यूअर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. सो क्लास, अब आप देखें नेक्स्ट है आपके पास रॉड ए. रॉड ए में कितने फिशेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. दोबारा काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And rod B में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. Rod B में 5 fishes हैं and rod A में 13 fishes हैं. Clear है? अब वो कह रहा है rod A has dash more fishes than rod B. Rod A के पास कितनी ज्यादा fishes हैं rod B के मुकाबले में? मुझे बताएं, count करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rod A के पास 8 more fishes हैं than rod B. Clear है? Rod A के पास कितनी more fishes हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rod A has 8 more fish than rod B. And rod B has dash fewer fish than rod A. अगर रॉड ए के पास 8 मोर फिशेज है देन रॉड बी में, तो आप मुझे बताओ रॉड बी के पास भी कितनी कम फिशेज हैं रॉड ए के मुकाबले में? रॉड बी हैज डैश फ्यूअर फिश देन रॉड ए. रॉड बी हैज डैश मोर फ्यूअर फिश देन रॉड ए. तो आप मुझे बताओ रॉड बी में कितनी कम फिशेज हैं? यस, रॉड बी में भी 8 कम फिशेज हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रॉड बी में भी कितनी कम फिशेज हैं? 8. फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था कि बताओ रॉड ए में कितनी ज्यादा फिशेज हैं बी के मुकाबले में, एंड पार्ट बी में पूछ रहा है कि बताओ रॉड बी में कितनी कम फिशेज हैं ए के मुकाबले में. क्लियर है? तो दोनों में इक्वली 8 आंसर आएगा.
So this is tree A and this is tree B. This is tree A and this is tree B. Count करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दोबारा count करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tree A has 9 stars. Tree A has 9 stars. Yes. And B के नहीं count करें 1, 2, 3, 4, 5. Tree B has, tree B के पास कितने stars हैं? 5. Tree B has 5 stars. So count करें, tree A has more, tree A has more dash more stars than tree B. Tree A के पास dash more stars हैं B के मुकाबले में. So A का ये row भरा हुआ है. कितने कम है इसके पास? 1, 2, 3, 4 स्टार्स कम है ना यहाँ पे. सो ट्री ए हैज 4 मोर स्टार्स. ट्री ए हैज 4 मोर स्टार्स देन ट्री बी. एंड सेम ट्री बी हैज डैश फ्यूअर स्टार्स देन ट्री ए. ट्री बी के पास कितने कम कौन से स्टार्स हैं? यही वाले 4. सो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा. तो ये पहले पार्ट में उसने पूछा कि ट्री ए के पास कितने ज्यादा स्टार्स हैं बी के मुकाबले में. तो बी के मुकाबले में 4 स्टार्स ज्यादा थे. और अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि ट्री बी के पास ए के मुकाबले में कितने कम है. सो बी के पास 4 ही कम है. सो आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया मोर और फ्यू का, यहाँ पे काउंट बताया मोर और फ्यू के लिए. ठीक है, इसको अच्छी तरीके से अपनी बुक में कर लीजिएगा. मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.